गाइस, चलपास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बाहर ठेले में मिलने वाला एकदम यम्मी सा और टैंगी सा तीखा पानी, और उसके साथ हम बनाएंगे आलू मसाला। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एकदम टैंगी और यम्मी सा पानी पूरी का तीखा पानी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, उसमें हम डालेंगे एक कप हरा धनिया। धनिया मैंने अच्छे से साफ करके दो पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीना भी मैंने यहाँ सेम क्वांटिटी में यूज किया है, एक बाउल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। इसमें आप डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक, पानी पूरी मसाला और नींबू का रस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। हमारी पेस्ट बन के रेडी है। अब हम एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और पेस्ट को हम छान लेंगे। इसी मिक्सी जार में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसी पेस्ट में हम डाल के छान लेंगे अच्छे से। अगर आप ये पेस्ट फ्रीजर में स्टोर करना चाहते हो तो इसकी आप आइस क्यूब बना के भी रख सकते हो, और जब आपका पानी पूरी खाने का मन करे तो पानी में आइस क्यूब डाल के आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, सारी पेस्ट मैंने छान के रेडी कर ली है अच्छे से। अब इसी पानी में हम डालेंगे 3 से 4 गिलास पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पानी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट की तरह। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा यम्मी और टैंगी पानी हमारा रेडी है बनके। अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। आलू मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, अब इसे हम मैश कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, इसका वीडियो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक और अब डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया, और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसी स्टेज पे इसमें बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन भी डाल सकते हो। रेडी है हमारा आलू मसाला, ये देखिए। आप देख सकते हैं पानी और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे पूरी में भरते हैं। ये देखिए, वाव, कितना यम्मी लग रहा है। तो रेडी है हमारा यम्मी और टैंगी पानी और आलू मसाला।